हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बना रहे हैं हम यहाँ कलेजी, और यकीन मानिए ये कलेजी की रेसिपी बहुत ज़्यादा धमाकेदार, बहुत बढ़िया है। जो नहीं खाता है ना वो भी फरमाइश करके बनवाएगा, तो एक बार ट्राई जरूर करके देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक एंड कमेंट तो करना बनता ही है। और पता है यहाँ कलेजी धुलने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, विनेगर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, पता नहीं क्या क्या से धुलना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी स्मेल नहीं जाती। तो यहाँ बहुत आसान सा तरीका है, आप सिर्फ कलेजी को नॉर्मल पानी से धुलिए और उसके बाद इसको उबाल लीजिए। देखना चुटकियों में स्मेल खत्म हो जाएगी। बस इसको अच्छे से दो तीन उबाल लगा लेने और उसके बाद फिर सादे पानी से धुल लेना है। उसमें कोई विनेगर या नमक ऐड नहीं करना है, जैसे कि मैंने देखा है लोग करते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब बाद में करना ये, पैन में एक मीडियम साइज का चम्मच कुकिंग ऑयल गर्म किया और यहाँ दो बड़े प्याज लिए। 500 ग्राम कलेजी है तो हमने यहाँ दो बड़े प्याज लिए हैं जिसको फाइन चॉप्ड किया था। अब हम प्याज को ना लाइट ब्राउन होना जैसे ही शुरू होगा, तो ब्राउन करना नहीं है बट जैसे ही कलर चेंज होना शुरू होगा तुरंत हमें टमाटर ऐड कर देने। तो हमने यहाँ दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इसको रफली चॉप्ड कर लिया था। और जैसे ही टमाटर बस डालने हैं, अच्छे से मिक्स करना है प्याज के साथ, तुरंत यहाँ हम ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसे तब तक चलाकर कुक करेंगे जब तक कि इसकी कच्चांद यानी कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। और बाद में देखिए लो फ्लेम पर, मीडियम एंड लो पे हम इसे छोड़ देंगे। बीच में चलाते भी रहेंगे 2-3 मिनट के लिए। और देखिए टमाटर आसानी से गल गए हैं, बहुत आराम से गल गए हैं। यहाँ कुछ ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, जैसे कि 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ 1/2 टीस्पून हमने लिया है टिक्का मसाला पाउडर। नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे और मिर्च भी आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि आगे हरी मिर्च भी अभी हम इसमें कलेजी भूनते टाइम डालेंगे। तो अब फटाफट से सारे मसालों को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम थोड़े यहाँ पानी ऐड करेंगे और इसको ना मीडियम एंड लो फ्लेम पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये मसाला एकदम बढ़िया से भुन नहीं जाता, मतलब टमाटर और प्याज अच्छे से गल नहीं जाते। ऐसे चला चला के इसको ना बिल्कुल कचूमर निकाल देंगे प्याज और टमाटर का। और जैसे ही मसाला अच्छे से भून जाएगा हम यहाँ 1 टेबल स्पून भर के दही ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से दही को मसाले में मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ उबली हुई कलेजी ऐड कर देनी है और उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखिए सच में यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। बस आपको करना ये है, जब आप कलेजी को मसाले में मिक्स कर ले तब यहाँ मिर्च डाल देनी है, हरी मिर्च। अभी क्या होता है ना, मैंने बताया था हरी मिर्च भी आगे हम डालेंगे, तो लाल मिर्च और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। हरी मिर्च से क्या होता है, डालना ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब करना क्या है, यहाँ अभी बस हरी मिर्च ऐड करना है और 3-4 मिनट तक अच्छे से कलेजी को भून लेना है मसाले के साथ। और उसके बाद यहाँ हमने ऐड कर दिया है आधा बड़ा गिलास भर के पानी, और बाद में उसे तब तक कुक करना है जब तक कि कलेजी में जो मसाला है उस स्टेज तक नहीं आ जाता जैसे कि हमें चाहिए है। और उसके बाद हमें यहाँ ऐड कर देनी है सूखी हुई मेथी 1 टीस्पून, और साथ में यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए। बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये देखिए इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है मसाले डालते ही। और बाद में ना कलेजी में अभी थोड़ी सी कसर रह गई है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया लेकर थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें और अच्छे से भून लिया। पता है हरा धनिया डालकर जरूर इसे 1-1.5 मिनट तक के लिए चलाकर पकाइए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और उसके बाद एकदम परफेक्ट बस बनकर तैयार हो गई है कलेजी। तो अब हम इसे गार्निश कर देंगे फ्रेश कटे हुए हरा धनिया से। कलेजी बनकर एकदम तैयार है और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा जायकेदार बनती है। इस तरह से बनाकर जरूर देखें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।